अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपसे तीन मरले घर का एक नक्शा जो है वो डिस्कस किया था, स्पेनिश स्टाइल प्लान 21x39। तो आज मैं आपको बताऊंगा उसी नक्शे के बारे में कि किस तरह कागज़ पे नक्शा तैयार होता है और किस तरह जो है वो सेम चीज़ जो है वो प्लाट पे जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, और यानी कि नक्शे को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे बनाया जाता है। आज इसका जो हम कंपैरिजन करेंगे, पहले आपको पेपर वर्क दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये नक्शा, तो एक नज़र आप इसको देख लें। 21x39 इसका साइज़ है और लेफ़्ट की तरफ इसका पोस्ट दिया हुआ है। 9 फुट 9 इंच x13 फुट इसका साइज़ है। उसके साथ जो है वो हमारा ड्राइंग रूम है, 9 फुट 9 इंच x10 फुट 3 इंच। कॉर्नर विंडो दी हुई है और बाहर की तरफ जो है वो गराज के साथ ओपन वाइड है 4 फिट का। साथ जो है वो बाथ है जिसकी लो हाइट है 8 फिट। उसका जो है वो ऊंचाई रखी हुई है बाथ की। और पोर्च के साथ जो है वो अगर अंदर की तरफ जाएं तो स्टेयर है हमारी 3 फिट। इसका जो है वो चौड़ाई रखी हुई है। और टीवी लॉन्च है 12 फुट 9 इंच x10 फुट इसका साइज़ है। किचन का साइज़ 6 फुट 9 इंच x8 फुट है और साथ ओपन है 6 फुट 9 इंच x4 फुट है। और जो बेड का साइज़ है वो है 12 फुट 9 इंच x11 फुट 4 इंच। बाथरूम जो है अटैच है बेडरूम के साथ 6 फुट 9 इंच बाय। तो ये आप प्रैक्टिकल इसका जो है वो जो मौके पे हमारे घर की जो तमीर हुई हुई है आप वो देख सकते हैं कि किस तरह ये कॉर्नर विंडो आप देख रहे हैं और ये ओपन वाइड है जो 4 फिट वो भी आपको पोर्च के साथ नज़र आ रहा है। और इसके साथ ये स्टेयर केस हैं जो 3 फिट चौड़ाई है इसकी। और मैंने नक्शे में अभी आपको बताया ये सेम उसी तरह इसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आगे ये देखें टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च का साइज़ मैंने बताया आपको 12x10 है। और ये आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो हमने इसको डिज़ाइन किया। ये कॉर्नर विंडो आप ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, साथ अटैच बाथरूम है। बाथरूम की हाइट जो है वो 8 फिट है। और ये इसका जो है वो व्यू था आप देख रहे हैं टीवी लॉन्च पे इसको। और ये किचन में आप आ जाएं इस वक्त, किचन आप देख रहे हैं, किचन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो है वो फिनिशिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। साथ जो है ओपन एरिया में एक्सेस के लिए डोर दिया हुआ है। और ये कॉर्नर ये विंडो है बेडरूम के लिए, साथ हमारा जो है वो बेडरूम है। बेडरूम रूम जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारा डिज़ाइन हो चुका है, इस पे वॉल पैनल भी लगाए जा चुके हैं और सीलिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। ये बाथरूम है अटैच बाथरूम, और ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट है। और इसी तरह जो है वो नक्शे के मुताबिक हमने इसको डिज़ाइन किया है और पूरी जो है वो डिमेंशन जिस तरह कागज़ पे हमने नक्शा डिज़ाइन किया सेम इसी तरह जो है वो प्लाट पर भी जो है घर की मुकम्मल जो तमीर वो भी नक्शे के मुताबिक की है। वार्डरोब आपको नज़र आ रही है, अलमारी भी हमने जो है वो डिज़ाइन की है। तो प्यारे भाइयों ये हमारा जो है आप प्रैक्टिकल उसका व्यू देख रहे हैं कि नक्शे के मुताबिक उसको कैसे कंस्ट्रक्शन किया है। बेडरूम से ये बाहर की तरफ जो है वो हम देख रहे हैं, और ये आप मुकम्मल इसका व्यू चेक करें। ये खासकर ये जो हमारी स्टेयरकेस है जो फर्स्ट फ्लोर को की तरफ जा रही हैं, तो ये भी जो है वो हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। ये घर बाय सेल है, अगर कोई भाई दिलचस्पी ले रहा है तो वो जो है वो हमसे रابطہ कर ले। तो ये 3 मरले घर का नक्शा इस वक्त सियाना रोड में ये जो है वो कंप्लीट हुआ है हमारा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका, और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे जो चेंजिंग हुई है वो भी आप देख लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल उसका भी जो है वो मौके पर जो इसकी तमीर वो भी दिखा दूँगा। ये यहाँ पे हम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आए, फर्स्ट फ्लोर का साइज़ 12 फुट 9 इंच x10 फिट। उसी तरह बेडरूम का साइज़ भी सेम है। किचन को जो है वो स्टोर में कन्वर्ट किया है, और जो बेडरूम से अटैच बाथरूम भी है सेम उसी तरह। और जो ड्राइंग रूम है उसको बेडरूम में कन्वर्ट किया है 9 फुट 9 इंच x11 फुट 9 इंच। और ये बाथरूम है हमारा 9 फुट 9 इंच x5 फिट। ये यहाँ पे बाथरूम जो है वो ऐड किया है। ये आप विंडो देख रहे हैं, ये विंडोज़ और ये टेरेस, ये विंडो जो है वो हमारी स्पेनिश स्टाइल में है दोनों। ये जो फ्रंट पर आ रही हैं बेडरूम की और बाथ की, ये आप देख रहे हैं ये बेडरूम के अंदर से जो है वो हमारी ये स्पेनिश स्टाइल में जो है वो विंडो आप देख रहे हैं। क्या सब ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा व्यू इसका जो है आप देख रहे हैं। अच्छा, ये वॉशरूम वाली है विंडो,
ये एलिवेशन के लिए विंडो असल में तैयार की हुई है, लेकिन अंदर से जो है इसको बैरियर लगाया हुआ है ताकि वो नज़र ना आए बाहर से। तो ये इसकी टॉप फ्लोर है, ममटी पे भी विंडो लगाई हुई है जो एलिवेशन में हमें नज़र आएगी। तो ये है वो विंडो जो एलिवेशन में नज़र आ रही है हमारे टॉप फ्लोर पे। आप देख रहे हैं इसको बड़ा स्टाइलिश तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है और ये बड़ा खूबसूरत इम्पेक्ट जो है वो व्यूवर्स को दे रही होती है। तो ये चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये टेरेस पे जो है हमारी टॉप फ्लोर पे जो खपरेल लगाई है ये फ्रंट साइड पे है, सिर्फ पैरापिट पे लगाई हुई है ताकि टेरेस जो है हमारा इस्तेमाल हो, काबिल इस्तेमाल हो, उसको हम इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल जो टेपर्ड होती हैं फॉर्म में वो अच्छा तो वो हमने नहीं की, सिर्फ पैरापिट पे जो है खपरेल लगाई है तो इसका जो है ताकि छत को जो है वो हम इस्तेमाल कर सकें, काबिल इस्तेमाल भी हो इसको जो है वो। बाकी जो पैरापिट पे ये जो लगाने का मकसद ये है कि फ्रंट से जो है वो हमें इसका व्यू अच्छा नज़र आए और जो है वो मुकम्मल तौर पे स्पेनिश स्टाइल में नज़र आए हमारा व्यू। तो ये आप देख रहे हैं।